नमस्कार सक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर पर्यटन विभाग के अधिकारी हैरान हो गए हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि बरसात के मौसम की वजह से और रमजान के कारण पर्यटकों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती भीड़ दर्शा रही है कि पिछले साल ट्यूलिप देखने आए 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या का रिकॉर्ड इस साल बहुत पहले ही टूट जाएगा। हम आपको बता दें कि लगभग महीने भर तक रहने वाले ट्यूलिप के फूलों को देखने के लिए अब तक लगभग 2.5 लाख पर्यटक आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस बार अलग अलग रंग के 16 लाख ट्यूलिप के फूल और 68 किस्में खिली हैं। प्रभा साक्षी समाता ने ट्यूलिप गार्डन घूमने आए पर्यटकों से बातचीत की तो सभी ने कहा कि वाकई यह जन्नत है और ऐसा खूबसूरत समा इससे पहले कभी नहीं देखा। ट्यूलिप गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, फ्लावर्स देखने के लिए हम स्पेशली लखनऊ से यहाँ आए हैं, ये और कहीं तो मिलेंगे नहीं, कश्मीर में मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं अभी देखने के लिए। वेदर इस टाइम पे यहीं पे वेदर अच्छा मिलेगा, बाकी जगह तो गर्मी हो गई है, इसीलिए कश्मीर आए देखने के लिए। उनके लिए कश्मीर तो सेफ है, नो डाउट इन दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से ये लोगों के दिल में वहम है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो काफ़ी सेफ लगता है। लोग इस टाइम में तो ये तो एक मास के लिए बागान है, एक मास यही अच्छा मौसम है, इस टाइम में आना के लिए आना चाहिए लोगों को। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इससे पहले ट्यूलिप गार्डन सिर्फ सिलसिला मूवी के सॉन्ग में देखा था एंड आई रियली वांटेड टू कम, एंड ऑनेस्टली जब मैं आ रही थी तो मैं वो गाना ही प्ले कर रही थी एंड आई वाज सीइंग हाउ ब्यूटीफुल दैट गार्डन वाज एंड आई वाज चेकिंग दिस इज लाइक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, एंड मेरा ड्रीम था एक ट्यूलिप गार्डन देख। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ सालों से हम लोग कश्मीर आने का प्लान कर रहे थे, पर मैं पहले थोड़ा डर था मुझे कि यू नो पता नहीं सेफ होगा कि नहीं होगा, पर पिछले एक साल में मेरे बहुत दोस्त आए तो उनको देख के मुझे लगा नहीं हमें भी जाना चाहिए, और अब यहाँ पर आके लग रहा है कि मतलब बिल्कुल सेफ है एंड ज़रूर आना चाहिए, मतलब इससे सुंदर जगह तो नहीं है दुनिया में कहीं। ये एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, ये खुला था अभी इस बार और हमें इधर आने का मौका मिला, और जो कश्मीर जो बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ है, वाकई में ये बिल्कुल सही लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर एक दिन पूरा बिताने के लिए इस ट्यूलिप गार्डन में काफ़ी मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट सब सारे टूरिस्ट के होता है, इसलिए हमें इधर से निकलना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। जो हम जो फिल्मों में देखते हैं, जो एम्स्टरडैम और बाकी कंट्रीज़ में, उसके कंपैरिजन में बहुत, उससे भी बहुत बेहतर लग रहा है ये यहाँ पे। मैं अनुरा शिवशंकर किंकरे, मैं गोवा से आई हूँ, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। हम स्पेशली ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए अप्रैल महीने में आए, नहीं तो हम मई महीने में प्लान कर रहे थे आने के लिए। आपका ट्यूलिप गार्डन का इतना हमने सुना है, वो देखने के लिए कितने दूर तक आए हैं। मेरा भी ख्याल पहले ऐसा ही था, कश्मीर मुझको डर लगता था आने के लिए, एक बार आतंकवादी के डर से और दूसरा इधर का ठंडी से, लेकिन हमारा कश्मीर के दोस्तों ने इतना अच्छे से हमको बताया और उनके कहने पर हम कश्मीर आए, और अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्यों अभी आई, कुछ नहीं देखा, मेरा एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, मैं लास्ट दिन आपको ज़रूर बताऊँगी कश्मीर कैसा है। ये बहुत ही सुंदर है, हमको ये पता था जब हमने डिसाइड किया आने का तो पता नहीं था कि ये टाइम पे ट्यूलिप गार्डन खुलेगा, बट फॉर्चुनेटली अभी अच्छा यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के, इस तरह की वैरायटी, इतने कलर्स और इतना ट्यूलिप पहले देखा नहीं, सो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। नहीं बहुत ही सेफ लगा, आई थिंक हमको ऐसा कोई लगा नहीं कि सेफ नहीं है, आई थिंक सबको आना चाहिए, बहुत ही सुंदर है और ऐसा सेफ्टी का तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रफुल सिसोदिया है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ट्यूलिप गार्डन, राजस्थान से हूँ। हाँ, दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस, फर्स्ट टाइम मेरा कश्मीर आना हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ें जो लगी है डल झील और ट्यूलिप गार्डन, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द वेकेशंस, एंड लिटरली यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है कि बहुत काम एंड क्वाइट टाइप का नेचर और बहुत ज़्यादा प्लीजेंटफुल नेचर है यहाँ पर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।